या तो कोई दान मांगने के लिए आया करता है, लेकिन आज मैं ये क्या देख रहा हूं, इस कर्ण के दरवाजे पर स्वयं महारानी कुंती यहां पर चल करके आई है। महारानी कुंती, इस कर्ण का सबसे पहले तो आपको प्यार भरा राम राम नमामि नमस्कार है, ये कर्ण आपको प्रणाम करता है। सबसे पहले तो आज मेरे बेटे के स्वर में मैं पहली बार चल करके आई हूं, तो मेरे कर्ण तेरा नमामि नमस्कार स्वीकार है। हाँ। लेकिन यहां पर मैं अपना कोई सादर व सत्कार करवाने के लिए नहीं आई हूं, बल्कि एक ऐसी तेरे जीवन की सच्चाई है जिसको तू नहीं जानता है। अच्छा। हाँ, भले ऐसी भी कोई मेरे जीवन की सच्चाई है जो कि खुद इस कारण को पता नहीं हो, और महारानी कुंती मेरे सामने उस सच्चाई को बताने के लिए आई है। हाँ बेटे कारण, तो मैं पूछना चाहता हूँ, तो सुन मेरी बात, तेरे जीवन की वो गहरी सच्चाई है जिसे सिर्फ मैं जानती हूँ और कोई नहीं जानता है। ऐसी भी कोई सच्चाई है? और वो सच्चाई ये है। क्या? कि जिसे आज तू अपने मुख से बार बार महारानी कुंती कह रहा है ना। हाँ। वो महारानी कुंती तो है, लेकिन महारानी कुंती होने के साथ साथ, अच्छी तरह से जानता हूँ कि महारानी कुंती होने के साथ साथ वो पांचों पांडवों की माँ है, ये भी अच्छी तरह से जानता हूँ। और पांचों पांडवों की माँ होने के साथ साथ इस पूरे राजकाज की मालिक है, ये भी मैं अच्छी तरह से जानता हूँ महारानी कुंती। और सारे राजकाज की मालिक हूँ, और पांचों पांडवों की माँ हूँ, और उसके साथ साथ मैं तेरी भी माँ लगती हूँ। क्या कहा? हाँ, मैं तेरी माँ लगती हूँ बेटे करण। तुम मेरी माँ लगती हो? यही तेरे जीवन की सच्चाई है। लेकिन ये सरासर गलत है। नहीं, ये सच है। अरे इस करण ने ना तो कभी माँ बाप का दुलार देखा, ना कभी माँ का प्यार मिला, तुम मेरी माँ कैसे हो सकती हो? मैं तुमसे पूछना चाहता हूँ, एक बार बस अपने मुख से मुझे माँ कह दे, यही तो सुनने के लिए ये कुंती तरस रही है, और यही मैं बताने के लिए तेरे जीवन की सच्चाई आई हूँ आज तेरे पास। चाहे कुछ भी हो जाए, सूर्य उदय होने से पहले जो भी मेरे पास में आता है उसकी हर इच्छा पूरी करने का ये करण कर्तव्य जानता है। हाँ। लेकिन आज तुम आए हो। हाँ। आश्चर्यचकित रह गया, समझ नहीं पाया, और अपने आप को मेरी माँ बताते हो। सबकी इच्छा पूरी करता है तू? हाँ। करता है ना? हाँ। तेरे दरवाजे पे जो आता है कभी उसे खाली या तो नहीं लौटाता ना? नहीं लौटाता। तो बस अपने मुख से मुझे एक बार माँ कह दे, और कुछ नहीं चाहिए। माँ नहीं कह सकता, क्यों? क्योंकि तुम मेरी माँ नहीं हो। मैं तेरी माँ हूँ बेटे। पूछना चाहती हो कि मेरी माँ कौन है और मेरे पिता कौन है? कौन है तेरे माँ बाप? सुनना चाहती हो? कहे अपनी बात। सुन मेरी बात। कह दे और मेरी सुन ले। तू राधा सुत नहीं है मेरे करण, तू मेरी जन्मी हुई संतान है, और बस तुझे एक काम करना है। क्या? हे रे माता कह के, माता कह के बोल लाडले, खटके से तेरी वाणी। माता कह के बोल लाडले, खटके से तेरी वाणी। अरे हाथ जोड़ प्रणाम करे, हाथ जोड़ प्रणाम करे, तुझे ये राधा सुते तानी। माता कह के, माता कह के बोल लाडले,
यही कहेगा ना, जब ते ये कुंती तेरे दरवाजे से आज जाने वाली नहीं है। माँ कहूँ? एक बार माँ कह दे और कुछ। अगर मेरी माँ होती तो मैं तुम्हें माँ कह देता, लेकिन तुम मेरी माँ नहीं हो, इसलिए मैं तुम्हें माँ भी नहीं कह सकता। मैं तेरी माँ हूँ मेरे करण, ये नहीं हो सकता। सुन मेरी बात, कह कह दे। अरे मैं मामूली कैसे कह दूं माता, सूत पुत्र ना, सूत पुत्र ना, सूरज से तुम्हारा माँ बेटे का नाता। सूत पुत्र ना, सूरज से तुम्हारा माँ बेटे का नाता। क्यों हमदर्दी दिखा रही, चली जा मेरी नजरों के सामने, नहीं जा सकती। मन क्यों हमदर्दी दिखा रही, मन क्यों हमदर्दी दिखा रही, यो भेद समझ न आता। अरे दिल पे भारी, दिल पे भारी चोट लगी, मेरा फटा कर जा जाता। दिल पे भारी चोट लगी, मेरा फटा कर जा जाता। सरनी चा क्यों कर रखा, सरनी चा क्यों कर रखा, सर नीचा क्यों कर रखा। तू तो पांडु की महारानी, और माता कह के, माता कह के, माता कह के बोल लाडले, कटे से तेरी वाणी है। माता कह के बोल लाडले, कटे से तेरी वाणी। पर खुश होकर परमादरणीय श्रीमान कैप्टन धर्मपाल जी, 500 रुपए से इस रागनी पर खुश होकर मान सम्मान करते, एक बार जोरदार ताली बजाओ इनके लिए, जोरदार ताली। और परमादरणीय देविंदर लांबा जी हवलदार साहब, वो भी 100 रुपए मंदिर में दान देते हैं, और 100 रुपए से रागनी का मान सम्मान करते, एक बार जोरदार ताली बजाओ इनके लिए, जोरदार ताली। आइए, क्या लिखा, ये महारानी कुंती क्या कहूं? और भी कुछ तेरे सवाल या जवाब बाकी है? तू कर, तू सवाल कर और जवाब मैं तुझे दूंगी। मैं सवाल करूं? हाँ। तुम मेरी माँ नहीं हो? मैं तेरी माँ हूँ। तुझे नहीं पता कि मेरी माँ कौन है और मेरे पिता कौन है? कौन है तेरे माँ बाप? अरे इस करण को तो इतना पता है कि उस आसमान ने घेर दिया और उस धरती ने संभाल लिया। अच्छा। इससे ज्यादा करण का कोई परिचय नहीं है। बस इतना ही तू जानता है, इससे आगे तू जानता भी नहीं है। अच्छा। इससे आगे ही तो मैं तुझे बताने आई हूँ कि तेरे असली माँ बाप कौन है, कौन तेरे पिता है, कौन तेरी माँ है, ये ही बताने के लिए आई हूँ। लोगों, ये कह देती है महारानी कुंती के कौन तेरी माँ है, कौन तेरे पिता है, लेकिन करण भी अपनी जिद पर अड़ा हुआ है। अगर करण का सवाल और कुंती का जवाब ईंट के जगह यदि पत्थर से हो तो सुनने के बाद मैं ताली जरूर चाहूंगा। क्या कहने लगा, कैसे लिखा बोला? मुझे पेट
पढ़ के जाया है। हाँ। के तेरी छाती फटी नहीं, के तेरी छाती फटी नहीं, तने कैसे मैं ठुकराया। अरे कुआरी ने दिखे कुआरी ने, और कुआरी ने पैदा करके तू गंगा बीच बहाया। तेरे जैसी आज तलक नहीं, ओ तेरे जैसी आज तलक ना, तेरे जैसी आज तलक ना देखी बेटे खानी। बस माता कह के, के? माता कह के हा? माता कह के बोली लाडले महारानी कुंती। केवल एक बार और सुनना चाहता हूँ। मैं ही तेरी माँ हूँ, मैं ही तेरी माँ हूँ, मैं हूँ तेरी माँ, असली माँ मैं ही तेरी हूँ, वो राधे तेरी माँ नहीं है। लेकिन मैं यकीन नहीं करता। तू यकीन नहीं करता, मैं तुझे यकीन दिलवाऊँ। क्या कहा कि तूने मैं गोद खिलाया हूँ? मैंने नहीं, गोद मैंने तुझे नहीं खिलाया। हाँ। राधे ने पाल पोस कर तुझे बड़ा किया है, लेकिन जन्म मैंने तुझे दिया है। तूने मुझे जन्म दिया है? हाँ। तूने मुझे जन्म दिया है? हाँ बेटे। और जन्म देने के बाद इतने दिन में भटकता डोल रहा हूँ, तो किस लिए डोल रहा हूँ? तुझे तेरे जीवन की सच्चाई नहीं मालूम? अच्छा, ये मैं भी जानती हूँ कि मेरे हाथों से बहुत बड़ा अनर्थ हुआ है। ओहो। लेकिन क्या करूँ, मेरी मजबूरी ही इतनी बड़ी थी कि मैं तुझे माँ का प्यार नहीं दे पाई। अगर तू मेरी माँ है, मैं कैसे यकीन करूं कि तू मेरी माँ है? सारा परिचय अपना बता दे, बिल्कुल खोल खोल करके साफ समझा दे। तो सुन मेरी बात। हाँ। मैं बताती हूँ कि तेरे जीवन की सच्चाई क्या है। क्या है? कैसे मैं तेरी माँ हूँ, और कैसे तू मेरा पुत्र लगता है, और कैसे 9 महीना गर्भ के अंदर तुझे रखकर मैंने एक गंगा के बीच बहा दिया। सुन मेरी बात। हाँ। कि एक रोज का जिक्र महल में दुर्वासा ऋषि आया था, कि एक रोज का जिक्र महल में दुर्वासा ऋषि आया था, और वशीकरण मंत्र सेवा कर मैंने दुर्वासा से पाया था। उस मंत्र पे विश्वास कराना नू सूरज पे अजमाया था, और ना मिटे ऋषि के वचन करण मैंने न्यू क्वारी ने जाया था। और ऐसे कर्म करण वाली को इस जग में कौन भला कह दे, और मेरा मन भर जाएगा मान करण मुझे कुंती ना कह मां। ये है तेरे जीवन की सच्चाई। मेरे ताऊ जी बैठे, उनकी आंखों में आंसू आ रहे हैं। हाँ। ये बयां करती है ऐसी रागनिया कि आज भी वो धर्म जिंदा है, आज भी वो लोग जिंदा है, आज भी मेरी ऐसी माता बहने बैठी है, मेरी चाची ताई बैठी, जिनकी आंखों में भाव आ रहे हैं। चाहे कमेटी वाले पैसा दो या मत दो, किसी के दो हाथों की ताली हो या ना हो, मेरी जनता की आंखों में आंसू आ गए। मैं धन्यवाद करता हूँ ऐसी बस्ती को। सजनो, क्या कहा महारानी कुंती के, तूने मुझे जन्म दिया है। एक रोज का जिक्र है, दुर्वासा ऋषि महलों में आए थे, मैंने उनकी बहुत सेवा करी, उन्होंने मेरी सेवा से खुश होकर के मुझे एक मंत्र दिया, कहा बेटी कि अगर तू इस मंत्र का जाप सूर्य उदय को साक्षी मानकर करेगी तो तुझे एक पुत्र हो जाएगा। मैंने सोचा कहीं मंत्रों से पुत्र पैदा होते होंगे, मैंने उनकी बातों पर यकीन नहीं किया। आज सूर्य उदय को साक्षी मानकर जैसे ही मैंने मंत्र का जाप किया, उसी वक्त तू मेरी कोख में आ गया। अरे जब मुझे इस बात का मालूम लगा कि मैं कुआरी एक कुंती मां बनने वाली।
अरे तू ही बता इस संसार को मैं क्या जवाब देती, क्या कहती कि तू किसका पुत्र है, क्या तू वचनों से पैदा हुआ है, कौन मेरी बातों पे यकीन करता लाल? कि सुन के भारी चोट लगी। ओ महारानी कुंती, क्या सुन के भारी चोट लगी, मेरे जी के जी पे क्या बन गई, और मतलब कारण बेटे खानी तू आज करण की मां बन गई। नहीं 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 बेटे, के माता वाला पता जगत में, ए माता वाला पता जगत में, तने कौन सा फर्ज निभाया, और छाती से ले बेटे को तने कितना दूध पिलाया, और मुंह चूमया ना प्यार कदा ना कदे लाड लड़ाया, और दे के जन्म मारने खातर गंगा बीच बहाया, लिया एक सुत ने कान मेरे ते वाहर की नरम निगाह बन की, और मतलब कारण बेटे खानी तू आज करण की मां बन। नहीं नहीं, मुझे माफ कर दे मेरे पुत्र, मुझे माफ कर दे, लेकिन आज के बाद ये कुंती तुझे अपने आप से दूर नहीं रख सकती। मेरी बात सुन ले मेरी करण, कहिए सुन मेरी बात। गौर से सुना लोगों, के मतलब कारण इस रिश्ते ने आज याद दिला बने आई, अपने दिल के टुकड़े ने मैं आज मना बने आई, अपने दिल के टुकड़े ने मैं आज मना बने आई, ओ मेरे दिल पे चीरा देख के, मेरे दिल पे चीरा नमक लगा बने आई, पांचों पांडव तेरे भाई न्यू समझा बने आई, मांग लिए क्या चाहिए तने, ओए मांग लिए क्या चाहिए तने, खोल बता परेशानी, बस माता कह के बोली लाडले करण, अब भी तुझे मां नहीं कहेगा। मारूंगी भी तुझे, पीटूंगी भी, या तो मेरे साथ चल, उस दुर्योधन का साथ छोड़ दे, तू तो पागल हो गया है उसके प्रेम में, तुझे नहीं पता वो कितना गलत इंसान है, तू तो उसे अपना आदरणीय मानता है, वो तुझे गलत रास्ते पे लेकर के जा रहा है बेटे, उसका साथ छोड़ दे और मेरे साथ चल। और मैंने ये सुना है कि कल के युद्ध के अंदर तुझे सेनापति बना दिया गया है। हाँ। अब घबराने की जरूरत नहीं है, और अब तो पांचों पांडवों की ही जीत होने वाली है, क्योंकि तू हमारे साथ है, अब हमें कोई हराने वाला नहीं है युद्ध के अंदर। अच्छा, मेरे साथ चल। के मां बन के तुड़वा बने आई, उस दुर्योधन का साथ छोड़ने की बात करती है महारानी कुंती। छोड़ दे उसका साथ। के मां बन के तुड़वा बने आई, तू मेल मेरे बचपन का, तने यो जीवन अंधकार करया, उसने चंदा करया गगन का। अच्छा, के मां बन के तुड़वा बनाई, तू मेल मेरे बचपन का, और तने यो जीवन अंधकार करया, उसने चंदा करया गगन का, और मर के भी एहसान मेरे पे ना उतरे दुर्योधन का। ओहो,
उसका एहसान भी नहीं उतर सकता। जो तू कहेगी वो करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन दुर्योधन का साथ नहीं छोड़ सकता। नहीं छोड़ेगा, क्योंकि उस दुर्योधन का अगर ये करण अपने जीते जी अपनी खाल की अगर जूती भी पहना दे उस करण उस दुर्योधन को, तो भी एहसान नहीं उतर सकता उस दुर्योधन का। तो यानी उस दुर्योधन का साथ नहीं छोड़ेगा तू? नहीं छोड़ूंगा। मेरे साथ नहीं चलेगा? नहीं जाऊंगा। एक बार वो सोच ले, इतना नहीं छोड़ेगा दुर्योधन का साथ? अगर मैं साथ जाऊं तो कैसे जाऊं महारानी कुंती? मैं साथ नहीं जा सकता। कैसे जाएगा मेरे साथ? मैंने अपने जाता जग में, ओ महारानी कुंती, हाँ, मैंने अपने जाता जग में जीवन बेकार नहीं देखा, और किस तरिया माँ कहूं तने मैंने माँ का प्यार नहीं देखा। मैं जहां गया, मैं चाह गया, जहां गया आदर सया आदर सत्कार नहीं देखा। अच्छा? और मेरी नीचे को रही नजर निगाठा के संसार नहीं देखा। तू नाराज है मुझसे? बहुत बेशक नाराज हो ले, लेकिन मेरे साथ तो तुझे जाना पड़ेगा। तेरे साथ नहीं जाऊंगा, मैं तुझे भी छोड़ सकता हूँ। और जिन पांडवों की मेरे सामने बात करती है, उन पांडवों को अगर पांडवों को और दुर्योधन के साथ कंपेयर करती हो, तो महारानी कुंती मैं पांडवों को ठोकर मारता हूँ। हाँ। एक बार करण के लिए भी जोरदार ताली मार दो जितने बैठे हो। बड़े गर्व के साथ कह रहा है कि दुर्योधन का साथ नहीं छोड़ूंगा, तुझे छोड़ दूंगा। हाँ। मतलब कि तू मेरा पुत्र है, मुझे अपमान है, अपमान? मैं तुम्हारा पुत्र नहीं हूँ, नहीं हूँ, नहीं। तुझे पता है मेरा कितना अपमान हुआ है? अच्छा, पर आज तू भी वही काम कर रहा है। तेरा अपमान कैसे हुआ है ये बताइए। सुन मेरी बात। हाँ। अगर तू मेरे साथ नहीं जाना चाहता तो मत जा। हाँ। अगर तू दुर्योधन का साथ नहीं छोड़ना चाहता तो मत छोड़। मैंने ये सुना है कि जो सूर्य उदय होने से पहले कर्ण के शिविर में आता है, हाँ, कर्ण उसे कभी खाली हाथों नहीं लौटाता। ये सही सुना है कि सूर्य उदय होने से पहले यदि कोई कर्ण के पास में आता है और कर्ण उस दान को देने के लायक है, तो आज से पहले कभी मेरे शिविर से कोई खाली नहीं गया। तो बेटे कर्ण, मैं भी तुझसे कुछ मांगने आई हूँ, क्या मुझे मिलेगा? अवश्य मिलेगा। तो ला। मैंने ये सुना है कि गुरु परशुराम के दिए हुए 5 बाण है तेरे पास। आज ये महारानी कुंती तेरे पास आई है। अगर तू मेरे साथ नहीं जाना चाहता तो मत जा, लेकिन बेटे करण एक काम कर दे, जो गुरु परशुराम के दिए हुए 5 बाण तेरे पास है, ना करण उन 5 बाणों को मेरी झोली के अंदर डाल दे। और महारानी कुंती, और मेरे 5 पांडवों की जान बख्श दे मेरे लाल, और मुझे कुछ नहीं चाहिए। ये तुम क्या कह रही हो? हाँ। अरे इतने दिन के बाद 9 महीने तूने अपने गर्भ के अंदर रखा। हाँ। और गर्भ के अंदर रखने के बाद पेट पार करके मुझे जन्म दिया, जन्म देने के बाद संदूक में बंद करके नदी नाले में बहा दिया, और इतने दिन के बाद यदि मेरे पास में आई है तो भी उन 5 बाणों का जिक्र करती है। हाँ। जो 5 बाण इस कर्ण के प्राणों की रक्षा करते हैं। ला, उन 5 बाणों को मेरे झोली में डाल दे, और मुझे कुछ नहीं चाहिए तेरे दर से। के इतने दिन के बाद मेरे ते दान मांगने आई है। अच्छा। सरदारों, 4 लाइन आपके बीच में बच रही है और अंतिम कली आपके बीच में है। यदि लाइन अच्छी लगे तो जोरदार ताली जाऊंगा सुनने के बाद में। के इतने दिन के बाद मेरे ते दान मांगने आई है, और जिन बाणों का गर्व मुझे वो बाण मांगने आई है। और कितने बेटे हैं तेरे? 6 बेटे हैं मेरे। जब 6 बेटे हैं तेरे, 5 के क्यों प्राण मांगने आई है? और बाणों का तो नाम करण की तू जान मांगने आई। नहीं नहीं नहीं, नहीं बेटे नहीं, मैं तो ये चाहती हूँ कि तुम 6 बेटे आपस में लड़ लड़के ना मर जाओ, बस उन 5 बाणों को तुझसे मांगने आई हूँ। सजनों, ये कह दिया उस करण बलि ने के माता तेरे दूध को, तू ये चाहती है कि तेरे 5 पांडवों के साथ मिलकर के युद्ध करूं। हाँ। 5 पांडवों के साथ युद्ध नहीं करूंगा, ना ही उस दुर्योधन को छोड़ूंगा, लेकिन एक वादा जरूर करता हूं। हाँ। के माता तेरे दूध को कभी आए ना आज, और चाहे अर्जुन मरे चाहे कर्ण मरे, तेरे पुत्र रहेंगे 5, तेरे पुत्र रहेंगे 5। अगर अगर वो अर्जुन लड़ते लड़ते वीर गति को प्राप्त हो गया, तो ये कर्ण वादा करता है कि मैं अपने 5 भाइयों के साथ में मिलकर के युद्ध करूंगा। अच्छा। क्योंकि मेरा तो रोड़ा ही कर्ण के साथ में है। कहे अपने। जो एक मछली की आंख बिंद करके ये कहता है कि मेरे बराबर कोई योद्धा नहीं है, अरे मुझे तो निमटना ही केवल तेरे उस कर्ण
अर्जुन से? नहीं बेटे करण, इतना खट्टा मत खा। अच्छा, वो तेरे पांच भाई है, उन्हें माफ कर दे मेरे पुत्र, ऐसा मत कर। कुछ कहना चाहती है? हाँ, अब भी बाकी है, बहुत कुछ बाकी है। कहे? कहे। खाली ना लौटाया, पर भीख घाल दे। हाँ? भीख घाल दे झोली में, मनयो पल्ला फैलाया। भीख घाल दे झोली में, मनयो पल्ला फैलाया। आदरणीय इंस्पेक्टर साहब, बहुत इनाम दान दिया है, कई हजार रुपए दे चुके हैं, लेकिन 200 से पार नहीं पड़ेगी इस रागनी में। ताली मार दो, जोरदार ताली। मैं धन्यवाद करता हूँ, 500 रुपए दे रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। मैंने तो मजाक किया था, लेकिन ऐसे मजाक बार बार करता रहूंगा। ताली मार दो, एक बार दोबारा कह के बता। हाँ? सुनिए, झोली में तने यो पल्ला फैलाया। सब काम कर दूंगा, माँ भी कह दूंगा, लेकिन एक काम नहीं करूंगा। क्या नहीं करेगा? सुनेगी? हाँ। ओ दुर्योधन का साथ ना छोड़ू, दुर्योधन का साथ ना छोड़ू, चाहे मांग ले और बकाया। अरे मेरे बेटों की, मेरे बेटों की, मेरे बेटों की जान बख्श दे। कलम उठा हरे राम बैस ले, ओ कलम उठा हरे राम बैस ले, कलम उठा हरे राम बैस ले, कोई लिख दे धर्म कहानी।